हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ टू एपीज इज 7n+1=4n+27। क्वेश्चन में दिया हुआ है टू एपीज, यानी दो अलग अलग एपी है और दोनों दो अलग अलग एपी में हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, पहले एपी का भी एन टर्म ले लें और उसका सम कर दें, और सेकेंड वाले एपी में भी एन टर्म ले लें और उसका सम कर दें और दोनों का रेशियो करें तो ये आएगा, ये दिया हुआ है रेशियो। ठीक है, तो दो अलग अलग एपी है, एज्यूम करते हैं लेट फर्स्ट एपी, ठीक है, तो फर्स्ट एपी हो गया ए, ए प्लस डी अगला टर्म मिलेगा, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, फिर ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। और सेकेंड एपी हो गया, उसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज कर लेते हैं, ए फर्स्ट टर्म हो गया ए, फिर a प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। ठीक है, दो अलग अलग ए पी दिया हुआ है। रेशियो ऑफ सम, किसका रेशियो निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, तो फर्स्ट ए पी के भी, फर्स्ट ए पी का हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म निकालते हैं एस एन, इसको सब स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं हम लोग एस एन, तो हो जाएगा n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे d है, ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन वन। और सेकेंड वाले ए पी का भी सम ऑफ एन टर्म करेंगे, इसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज कर लेते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है एस एन बाई एस एन इक्वल टू, ये दिया हुआ है 7n+1/4n+27, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें, फाइंड t9/t9, दोनों ए पी के नाइन्थ टर्म का हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसको सॉल्व करते हैं जहाँ तक ये सॉल्व हो सकता है। तो एस एन के प्लेस पे हम लोग ये लिख देंगे पूरा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और यहाँ पे इस एस एन के बदले लिखेंगे एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, इक्वल टू 7n+1/4n+27, तो ये एन बाई टू कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच जाएगा, सिर्फ 2a+n-1d/ 2a+n-1d इक्वल टू 7n+1/4n+27। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में जो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे n को यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है, कुछ फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, लेकिन हम कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कंसेप्चुअल तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, t9/t9, तो t9 हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, t9 क्या हो जाएगा, a+8d/a+, इसके लिए कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हैं, a+8d। ठीक है, ये चीज़ हमें चाहिए, a+8d/a+8d। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कैसे मिलेगा, तो देखते हैं। पहले तो ये जो लिखा हुआ है 2a+n-1d/2a+n-1d = 7n+1/4n+27। ठीक है, हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2a+n-1d/2 / 2a+n-1d/2 = 7n+1/4n+27। ठीक है, डायरेक्ट हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले में क्या होता है, अगर Sn का रेशियो दे रखा है और Tn का रेशियो निकालना है, तो जो भी जैसे नाइन्थ टर्म का रेशियो निकाल रहा है ना, निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 9 × 2 - 1 = आ गया 17। पूरे में जहाँ जहाँ है n है, n को हम 17 से रिप्लेस करके सॉल्व कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 17 कहाँ से आ रहा है, इस चीज़ को समझते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो गया, तो ये बचेगा a+n-1/2d/ यहाँ पे आ गया a+n-1/2d = 7n+1/4n+27। ये चीज़ आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a+8d। ठीक है,
तो a प्लस यहाँ पे 8 होना चाहिए 8d, ठीक है, और यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 बाई 2, इसके जगह पे 8 होना चाहिए। तो क्या पॉसिबल है अगर हम n माइनस 1 बाई 2 को अगर 8 से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 8d और वही जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो अब अगर हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 8 लिखने के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, इफ n माइनस 1 बाई 2, इस पूरे के बदले हमें 8 लिखना है, n माइनस 1 बाई 2 के बदले 8, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 8 टू जा 16 और n इक्वल टू 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 17। अगर हम पूरे में n को अगर 17 से रिप्लेस कर दें, जहाँ भी n लिखा हुआ है अगर हम n के प्लेस पे 17 लिख दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉल्व हो के वो 8 बन जाएगा जो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस n बाई 17, ठीक है, तो n के प्लेस पे हम 17 लिख देंगे तो ये बन जाएगा, इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं a प्लस 17 माइनस 1 बाई 2 डी अपॉन a प्लस 17 माइनस 1 बाई 2 डी, यहाँ भी n को रिप्लेस करेंगे 17 से तो 7 इंटू 17 प्लस 1 बाई 4 इंटू 17 प्लस 27, तो 17 माइनस 1 16 बाई 2 ये बन गया 8, a प्लस 8 डी अपॉन a प्लस यहाँ भी बन जाएगा 8, 8 डी इक्वल टू 7 इंटू 17 119, ठीक है, 119 प्लस ये हो गया 120 और 17 फोर जा 68, 78, 88 ये हो जाएगा 95, 5 से कट गया 24 बार में और 5 से कट जाएगा ये 19 बार में, तो ये मिल गया हमें a प्लस 8d और यही चाहिए था a प्लस 8d, a प्लस 8d बाई a प्लस 8d के बदले हम क्या लिख सकते हैं, t9 अपॉन t9 इक्वल टू 24 अपॉन 19। तो बस यही फाइंड करना था हमें नाइन्थ टर्म का रेशियो, तो नाइन्थ टर्म का रेशियो क्या आ गया 24:19, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते थे, यहाँ पे जैसे n के बदले हम लोग डायरेक्ट भी 17 से ही अल्टीमेटली यहाँ पे भी एक स्टेप के बाद भी करना क्या पड़ा हमें, n को 17 से ही रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हमने सिस्टमेटिक वे में दिखाया है कि n को 17 से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, और यहाँ पे चाहे तो डायरेक्ट भी n के प्लेस पे हम 17 से रिप्लेस कर देते, ठीक है, n को पूरे में 17 से रिप्लेस कर देते तो भी यही चीज़ आ जाता, ठीक है। अगर n की जगह हम यहाँ 17 लिख देते तो क्या होता, 17 माइनस 1 16 और 2a प्लस 16d हो जाता और पूरे में 2 कॉमन निकलता तो a प्लस 8d बन जाता जो हमें चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हाँ, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो वहाँ पे हमें सब प्रोसीजर करके दिखाना नहीं है, तब हम लोग इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे, जो भी टर्म का रेशियो फाइंड करने बोलेगा उसका डबल करके एक माइनस कर देंगे, 9 का डबल 18 माइनस 1 17, ठीक है, 17 से रिप्लेस करके सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।